अच्छा टांग भी सकते हैं, इसकी भी आवाज़ काफ़ी सही है। ये नॉर्मल बेसिक 10-15 साल का बच्चा इसको आराम से लोड करके चला सीखने के लिए है ना इस तरीके से जी। सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, मैं आपका भाई मनन पटनन आ गया हूँ एक और बहुत शानदार वीडियो के साथ। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल और टाइटल में कि इस वाली वीडियो में आपको एयर गन्स और एयर पिस्टल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बहुत ही औसम मिलती है भाई। मैं गया हुआ मेरठ, मेरा मतलब मैं गया था मेरठ और वहीं की ये वीडियो है। सो गाइज ये जो वीडियो है ये क्या कहते हैं इस वाली वीडियो का जो है सेकेंड पार्ट है, जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखें आप, जब भी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। उस वाले पार्ट में भी एक से एक एयर गन दिखाई थी मैंने और इसमें भी भाई साहब इसमें तो माल ही माल दिखाया जो बात है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, पहले आप जाके उसे देखें देन इसे देख लेना। सो गाइज वीडियो एंजॉय करें आप। सो गाइज अब आ चुके हैं हम इम्पोर्टेड पे है ना भैया। जी बिल्कुल। तो भैया क्या क्या दिखा रहे हो ये बताओ, इन्हें देख के तो दिल खुश हो गया। देख सकते हैं आप ये है गैमो कंपनी की, गैमो कंपनी की। एक बार इसको देखो, ओए होए ये क्या भैया वो लगा हुआ है क्या सप्रेशर वगैरह? ये इसमें सप्रेशर ऑलरेडी फिटेड है कंपनी। अच्छा पहले से ही फिटेड है जी। ये क्या होता है इसमें 10 शॉट का वो होता है मैगजीन यहाँ पे, जिसमें कि आपको पैलेट नहीं डालने बार बार, बस ब्रेक करना पड़ेगा ठीक है, पैलेट्स चलते रहेंगे टेन शॉट जी। तो क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेड में आ जाती है ना भैया जी। तो इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये 40,000 की है, 40,000 रुपीज की, 40,000 रुपए की जी बिल्कुल। ये 40,000 रुपए की है, इम्पोर्टेड है, बहुत ही औसम लग रही है, जिसे कहते हैं ना एक नंबर, दिल खुश करने वाली चीज। 10 शॉट है इसमें, बार बार आपको पैलेट नहीं डालना पड़ेगा। और दोबारा से बता दूं कि गलत यूज बिल्कुल नहीं करना है इसका, है ना भैया जी। और इससे आगे आए तो ये भी सप्रेसर फिटेड है, ये ठीक है, ग्रेट मॉडल है जी ठीक है। इसकी पावर इससे ज्यादा है। अच्छा इससे ज्यादा पावर है इसमें जी, ठीक है। ये है स्पीड स्टार ठीक है, IGT 10X जनरेशन 2 जी। ये सब जर्मन मेड है, जर्मन और स्पिन मेड है ठीक है जी। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, जैसे आप इसको ऐसे लोड करेंगे जी, इस तरीके से लोड स्मूथ है बिल्कुल, है ना भैया। और आप इनकी ये टारगेट्स देखेंगे तो आपको इसका पूरा बिल्कुल बढ़िया दिखेगा। इसमें भी ये देख सकते हैं बिल्कुल, इसकी लाइट्स है एक तरह की। हाँ जी आवाज सुनाए तो इसकी मानव भैया बहुत ही फिटेड है, जब इतनी आवाज आती है, जब इतनी बहुत तेज आवाज आती जी, बहुत तेज आवाज होती। कॉर्क लगाने की जरूरत ही नहीं है ना भैया, कॉर्क लगेगी भी नहीं है ना, ठीक है। ये बेसिकली शूटिंग प्रैक्टिस गन है, जो हाई लेवल की शूटिंग करते हैं जी उनके लिए है। और एक ये वुडन में भी आ गई है ना भैया जी, ये वुडन में, ये फाइबर में जी। ये है डाइना की जी, इसको भी सेम वही प्रोसीजर है लोडिंग का। अच्छा वही है तरीके से लिया और ये इजीली लोड हो जाती है। ओके तो यहाँ से इसका पैलेट डल जाता है जी। फिर इसको हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इसका लॉकिंग सिस्टम। अच्छा इसका लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर है, इसको हम लॉक आगे करेंगे जी तो ये खुल जाएगा। इसको हम ऐसे साइन करेंगे, इसको नीचे करेंगे, इसकी रेंज और भी ज्यादा है। ओके तो इसमें सप्रेसर फिटेड नहीं है, इसमें तो बहुत ही तेज आवाज है भैया, क्योंकि इसमें सप्रेसर फिटेड नहीं है। हाँ इसमें से इसकी साउंड बहुत तेज है, बहुत तेज है। और इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो भैया 30,000 की, ठीक है 30,000 रुपए की। और एक ये वुडन में आ गई, ये भी इन्हीं मॉडल्स में है या अलग? दोनों सेम है, ये सेम है, ये वुडन में है, ये फाइबर में है ठीक है। प्राइसिंग भी सेम ही होगी, 30,000 है इसकी भी, 30,000 है जी, ये 40,000 है हाँ जी, ये 55,000 है, 55 की है वाली बड़े मॉडल वाली ठीक है, 55,000 रुपए की है ना जी। तो क्या कहते हैं घर बैठे भी मंगवा सकते हैं ना ये जी सर, बिल्कुल कैश ऑन डिलीवरी हमारे होती नहीं जी। ओके तो फिर इससे आगे भी और आइटम्स दिखाते हैं आपको। सो गाइस और इम्पोर्टेड में एयर गन्स दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये आ गई है और यहाँ लग चुके हैं। मानव भी आप बताइए इनके बारे में भी। ये बहुत ज्यादा हाई लेवल की गन्स है जी, जो बिल्कुल फार्म हाउस में यूज हो सकती है। अच्छा शूटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ज्यादा रेंज चाहिए, रेंज चाहिए क्योंकि इनका FPS होता है 1200 FPS, 1500 FPS, इस तरह का FPS होता है। FPS मीन्स स्पीड, एक शॉट कितनी स्पीड से पावर देता है। तो मतलब ये तो मतलब क्या कहते हैं
डैमेज करता है बहुत गंदी तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलत यूज ना करें। और पहली बात तो ये उनके लिए होती है जो बहुत हाई लेवल पे होते हैं, और इनके प्राइस भी उसी लेवल पे होते हैं ना भैया, समझने वाले समझ भी सकते हैं कि इसलिए होती है। जैसे ये गन है, ये गेमो की है, CFX रॉयल, मेड इन स्पेन, यहाँ लिखा हुआ है स्पेन, ठीक है। इसमें ये क्या, ये ब्रेक बैरल नहीं है, ब्रेक बैरल नहीं है। इसको हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे, ओके, ये अंडर लीवर है जी, इसको ये इस तरीके से लेके लोड हो जाएगी, ये लोड हो चुकी है जी, ठीक है। इसको ऊपर कर देंगे, इसका पैलेट फिर ये यहाँ से डलेगा। अच्छा, यहाँ से इसका पैलेट डलेगा, यहाँ से इसका पैलेट डलेगा जी, ठीक। फिर हम इसको बंद कर देंगे जी, फिर आपको इसका फायर फायर देख लेते हैं इसका। कितनी तेज साउंड है गाइस, इसका कितनी तेज साउंड है, और ये हैवी भी काफी है ना जी, देख सकते हैं आप इसकी, मेड इन स्पेन है ना जी। तो इसकी आई प्राइसिंग की बात तो ये 55,000 रुपीस की मिल जाएगी आपको, ओके। इससे आगे ये भी इसी का मॉडल है। अच्छा, ये भी इसी का मॉडल है, ये फाइबर में, ये फाइबर में, ये फिर डायना की है, ठीक है, डायना एक कंपनी होती है, लिखा है डायना मोड 350, ठीक है। ये स्प्रिंग मोड में होती है, स्प्रिंग मोड में होती है जी, ये भी गेमो कंपनी की रिप्ले होती है, ठीक है। इसमें ये दो कैसे, एक लॉकिंग सिस्टम, एक लॉकिंग सिस्टम। अच्छा, ये आगे वाला लॉकिंग सिस्टम, ये फायर का जी जी, ओके। रही बात इनकी प्राइसिंग की, स्क्रीनशॉट लेके आप भाई के पास व्हाट्सएप कर दें, बाकी बता देंगे भाई, है ना। तो इससे आगे क्या दिखाने वाला है ये बताओ, अब ऐसा आ रहा है ना माल दिखने के लिए जो दिल खुश। इसके आगे आपको मिल जाएंगी एयर रिवॉल्वर्स और पिस्टल्स जो आप बिल्कुल रियलिस्टिक दिखती है, ठीक है। इम्पोर्टेड भी, कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड वाली ना, ओके। तो गाइस वो दिखाते हैं हम आपको। तो मानव भैया अब क्या दिखा रहे हो ये बता दो, ऐसी चीज दिखा रहे हैं कि आप भी सोचो क्या है, क्या है क्या नहीं है भैया, मतलब ये रियल है क्या? नहीं है ना, रियल है भाई, मजाक नहीं कर रहे। एक बार इसको खोल के दिखा दो बस भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया देख के। अब इसकी गोली निकालना जरा मानव भैया, कौन कह देगा कि ये रियल नहीं है भाई, कौन कह देगा ये रियल नहीं है। ये देख सकते हो आप, गोली देख सकते हो आप इसकी, और क्या कहते हैं इसमें भैया CO2 सिलेंडर डलता है ना, ये एक है जी, इसके लिए आपको लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइज सुन लो मेरी बात, गलत यूज बिल्कुल मत करना, बहुत ही हैवी है ना भाई, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, सेफ्टी आप रख सकते हैं अपने पास जी, ठीक है। और स्पोर्ट्स में भी यूज होती है, शूटिंग पे जी, स्पोर्ट्स में जैसे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह है, ठीक है, ऐसी शॉप्स है जहाँ इनकी जरूरत होती है, वो लोग इसको सेफ्टी पर्पज से अपना यूज कर सकते हैं, ओके जी। आज इसमें डलता है यहाँ से CO2 गैस सिलेंडर जी, जिसके प्रेशर से चलती है, ठीक है। तो इस तरह का सिलेंडर होता है, ओके। इसको हम यहाँ लगाएंगे, इसको यहाँ पर लगाएंगे, फिर इसमें प्रेशर जाएगा जी, प्रेशर से फिर जो इसके अंदर हम पैलेट डालेंगे वो पैलेट बाहर जाएगा, पैलेट बाहर जाएगा जी, ठीक है। इसकी जो बुलेट्स हैं ये बाहर नहीं जाती, ये बाहर नहीं जाएंगी, इनके अंदर बुलेट्स के अंदर डलती है पैलेट्स, है ना भैया जी, बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये कहाँ से लाया भाई माल, अलीबाबा की गुफा में से लिया गया इन्हें निकाल के, ये सब इम्पोर्टेड है ताइवान जर्मन अलग-अलग की। ओके, तो प्राइसिंग की बात आई तो वो तो आप व्हाट्सएप पे बताना प्राइस क्या है ना। तो इससे आगे आते हैं हम इस पे गोल्डन वाली चिड़िया पे, गोल्डन वाली चिड़िया जी, ये देख सकते हैं गाइज, ऐसा आइटम दिखा है ना, तो इसी बात पे वीडियो को क्या कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट। ये देख सकते हैं गोल्डन चिड़िया भाई, एक बार खोल के दिखा दो यार इसको, मैं बिल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये देख सकते हो आप इसकी गोली, मतलब बुलेट बिल्कुल रियल है बिल्कुल, और ये इसके अंदर गई, ये अंदर बंद हुई एक बार, हाँ ये चलेगी, और जब ये चलती है भाई इसका क्या कहते हैं साउंड कैसा होता है? साउंड इसका नॉर्मल होता है, ओजल की तरह साउंड नहीं आता है, ओके। और ये एयर गन है, कोई आप ये मत समझना ये ब्लैंक गन है, ये ब्लैंक गन है, हाँ एयर गन है ये, ठीक है, ओके। इसके बाद ये दिखाएं वुडन में, ये देख सकते हो आप एक ही आ गई, ये है स्मिथ एंड वेसन, ठीक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ स्मिथ एंड वेसन जी, रिवॉल्वर इस कंपनी का ओरिजिनल रिवॉल्वर आता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही आता है। अब ये एयर में आ गया है जी, ठीक है, हाँ ये एयर में आ चुका है, ठीक है, आप देखिए इसको, आप ये देख ही सकते हैं,
ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एयर में आ चुका है इसका ये, ये देखो चल कितनी फास्ट रही है ना। और ये खोल के हम दिखाते हैं, ये निकल गई, ये सारी गोली निकल गई और ये गई अंदर अंदर चली गई। और क्या कहते हैं अब आप आराम से शूट कर सकते हैं ना मानव। और प्राइसिंग की बात आई वो आपको व्हाट्सएप पे मिली। प्राइसिंग में आपको इसका रफली आइडिया देता हूँ जी, क्योंकि सबका प्राइस अलग अलग है जी। 35,000 से स्टार्टिंग होकर 45,000 तक है, 35,000 से 45,000 रुपए तक, ठीक है। इनमें से कोई सा भी मॉडल हो सकता है जी। क्या दिखा मैंने भैया, इसके आगे पिस्टल दिखाते हैं, रिवॉल्वर तो हम दिखा चुके हैं जी। पिस्टल दिखा देखिए, पूरी ब्लैक 9mm पिस्टल की तरह, ठीक है। देखिए इसमें इस तरह की मैगजीन होती है फुल कवर्ड जी, यहाँ से इसका CO2 अंदर चले जाएगा, ओके, यहाँ इसकी बॉल्स चल जाएंगी, ठीक है भैया। फिर इसमें सब चीज रहेगी तो ये ऑटोमेटिक वर्क करती है, ऑटोमेटिक वर्क, इसमें ये ऑटोमेटिक पुल बैक होता रहे करेगा, ओके। अभी हम इसको ऑइल देते हैं और इसमें एक लॉकिंग सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम से नहीं चलेगी जी। ये देख सकते हैं आप पिस्टल है, बिल्कुल रियल है ना भैया, ये मतलब फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं इनको, है ना। लेकिन ये रियल वाली नहीं है, ये क्या कहते हैं डैमेज करेंगी लेकिन उस हिसाब से नहीं, इनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं हम, इस पे आते हैं बड़े वाले पे भाई। क्या कट्टा है क्या ये? नहीं कट भाई, कट्टा नहीं होता हमारे, कट्टा फिर हमारे जो पैकिंग में कट्टे यूज होते हैं वो चीज। ये ऐसे होते हैं ऐसे, ये यहाँ से खुल जाएगी, ये यूज तो ऐसे ही होती है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से खुल जाएगी, ओके। ये देखो पूरी पूरी गोलियां बाहर, और ये हो गई, और यू करके चला दिया ना, घोड़े बैठ के चलाते ना। हाँ हाँ, शेरिफ शेरिफ जी ने बोलते हैं ना, वो लोग ये निकल गए इसकी सारी बुलेट्स, और अब इसको हम यूज कर सकते हैं, इसे घुमा भी सकते हैं भैया। आप इतने ये बताइए, मैं बुलेट डालता हूँ उसकी, देख ही सकते हैं आप इतने वहाँ, देखिए 10 वर्जन में है, 6 इंच बैरल में देख सकते हैं, ठीक है। एक बार ये बता देना कि इसमें पैलेट कहाँ पर डलते हैं भैया, ये भी बता देना एक बार। कई मॉडल्स पैलेट के होते हैं, कुछ बीबीस के होते हैं, बीबीस वाले मॉडल जो होते हैं यहाँ उनकी बॉल डलेगी, ओके, इनकी बॉल यहाँ पर डलेगी। और पैलेट्स का जो होता है वो पीछे से डलता पीछे है, से उसका है। कार्टेज अलग होता है, मतलब बीस इसका शेल है वो अलग होता है जी। तो ये बॉल्स वाली है जी, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, एक बार हम इस पे आ जाते हैं, ये शायद इसी का बड़ा मॉडल है, इसका बड़ा मॉडल है, अच्छा इसका ये बड़ा मॉडल है, ठीक है। ये भी यहीं से खुलता है ऐसे करके जी, हाँ ये खुल गया यहाँ से, ये पैलेट वर्जन है, इसमें देखिए आप पीछे से पैलेट डल जाएंगे, ये पैलेट वाला वर्जन है देख सकते हैं, इसमें आप पीछे से पैलेट डल जाते हैं, ओके। यहाँ और पैलेट इनके साथ मिलते हैं या अलग लेने पड़ते हैं? एक्सेसरीज सब अलग आती है, एक सिलेंडर जो आप लोग परचेज करोगे वो हम आपको टेस्टिंग के समय चला के यहाँ से देंगे। अच्छा, टेस्टिंग के समय चला के देंगे एक सिलेंडर। वैसे एक सिलेंडर की कॉस्ट कितनी होती है भैया? ज्यादा नहीं होती, 150 रुपीज का। और पैलेट्स की? पैलेट भी 500 के 500 पीस आते हैं, बॉल्स भी सस्ती आती हैं, ओके। और क्या कहते हैं भैया, ये सारे अपने इम्पोर्टेड वाला आइटम है ना? सब इम्पोर्टेड, ओके। अब भैया ये बताओ कॉक किस में? कॉक लगेगी इंडियन गन्स, इंडियन गन्स। दो तीन दिखाए मुझे इनके पास, वो दिखाए जी जी। और एक बार इस पे बता दे ये कौन सा पीस है? ये भी 6 इंच में रिवॉल्वर है, 6 इंच में रिवॉल्वर है ना, ये देख सकते हो आप भाई साहब। ये यू करके ये निकल गया इसकी गोलियां, यहाँ पर इसमें पैलेट चली जाएगी, और ये अंदर ऐसे करके और काम खत्म है ना भैया। इसकी प्राइसिंग की बात हो तो 45,000 रुपीस की ये आपको मिल जाएगी घर बैठे, ओके। तो अब कुछ इंडियंस दिखाते हैं भैया कोक के साथ, है ना। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भैया ये बताओ जाते जाते क्या कहते हैं आपकी शॉप कहाँ पड़ जाती है दोबारा? ये हमारी बेगमपुर के पास पड़ती है जी, और यहाँ PL शर्मा रोड है, ओके, वहाँ पे मानवगंज के नाम से आप गूगल पे लोकेशन लगाओगे वहाँ भी आपको मिल जाएगी। मेरठ में ना जी? मेरठ में, ठीक है। और क्या कहते हैं दिल्ली में नहीं है, मेरठ में, है। काफी लोग समझते हैं कि चांदनी चौक में, चांदनी चौक जाके भैया के पास फोन करते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि लोकेशन में चांदनी चौक डाल देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मानव गन हाउस के नाम से शॉप है भैया? मानव गन के नाम से, ओके, मानव गन के नाम से। तो क्या कहते हैं और डिलीवरी का कैसा है? ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है, आप ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारी प्रीपेड ऑर्डर होते हैं, खाली कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता हमारे यहाँ, ठीक है। और सारा माल भैया के पास अवेलेबल है गाइस। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, भाई के साथ भी हम ऐसे ही इंशाल्लाह और वीडियो लाते रहेंगे, है ना मानव भैया।
ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। देखो यार मेहनत करिए थोड़ी सी, दिल्ली से मैं मेरठ आया हूँ वो भी बाइक के थ्रू, और क्या कहते हैं थकान तो हो ही जाती है गाइस। अब डायरेक्ट आया हूँ, वीडियो बनाई, अब वापस घर जाना है। तो गाइस इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह। सो प्लीज सर पकड़ा है।